पूर्णिया का बेटा है पप्पू यादव, कर्मठ नेता है, पूर्णिया को बहुत कुछ दिया है, हर कष्ट में पप्पू यादव हर व्यक्ति के साथ रहा है, गरीबों का आंसू पोछा है, हर सब जगह पप्पू यादव उपस्थित रहा है। पूर्णिया में पप्पू यादव का पलड़ा भारी रहा चाचा, सबसे बहुत अच्छा रहा। कैसे? पप्पू यादव अच्छे आदमी है, जमीनी नेता है और पब्लिक का सेवा करने में सक्षम। आम जनता जितने भी थे उनको लगता था कि पप्पू यादव जी से सीधा जुड़ाव है, और उनके जो विपक्ष में थे उनका ऐसा कोई खास नहीं था। और दूसरी बात यह है कि एक मोदी जी के नाम पर आप नहीं जीत सकते, आपको काम करना पड़ेगा। इस मामले में जो हारे हुए प्रत्याशी वो पीछे रह गए थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही लपके, और उनका जो सबसे सफल चीज़ था वो था प्रणाम पूर्णिया, वो उनका हिट रहा और बहुत बड़े तबके को वोटर में बदलने का ये बहुत बड़ा रीज़न था प्रणाम पूर्णिया। मैं समझता हूँ यही सब मुख्य वजह है पप्पू यादव का पूर्णिया में जीत। पूर्णिया में पप्पू का पलड़ा सब पर भारी रहा। ऐसे में अभी हम पहुंचे हैं पूर्णिया में, और आप देख सकते हैं ये पूर्णिया का माफा मरंगा पेट्रोल पंप का एरिया है, और यहीं पर अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि पूर्णिया में पप्पू का पलड़ा कैसे भारी रहा। पूर्णिया में पप्पू का पलड़ा भारी कैसे रहा? पलड़ा भारी ऐसे रहा जब मल्ली जी उसका टिकट जब देना गया, कांग्रेस से टिकट जब नहीं मिला तो निर्दलीय उठ गया, तो मल्ली जी उसका सब जनता झुक गया, उसी को चिताना था, जीत गया। फिर वही उसको सबका प्यार उसी को मिल गया, सबका प्यार उसी को मिल गया। मूल बात बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मूल बात यही है कि जनता से उन्होंने हमेशा अपना जुड़ाव रखा, और चाहे वो व्यक्तिगत बात हो या सामाजिक बात हो, हर एक मुद्दे पे पप्पू यादव हर जगह मौजूद रहते, और यही उनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज रहा। आम जनता जितने भी थे उनको लगता था कि पप्पू यादव जी से सीधा जुड़ाव है, और उनके जो विपक्ष में थे उनका ऐसा कोई खास नहीं था। और दूसरी बात यह है कि एक मोदी जी के नाम पर आप नहीं जीत सकते, आपको काम करना पड़ेगा। इस मामले में जो हारे हुए प्रत्याशी वो पीछे रह गए थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही लपके, और उनका जो सबसे सफल चीज़ था वो था प्रणाम पूर्णिया, वो उनका हिट रहा, और बहुत बड़े तबके को वोटर में बदलने का ये बहुत बड़ा रीज़न था प्रणाम पूर्णिया। मैं समझता हूँ यही सब मुख्य वजह है पप्पू यादव का पूर्णिया में जीत। सबको देखते हैं, जनता खुश है। पप्पू यादव का पलड़ा भारी रहा? भारी इस लेकर के रहा कि जो वहाँ से टिकट नहीं मिला उसका, सभी मिल करके अपना निकाल दिया, सब जनता मिलकर निकाल दिया बिना कुछ सोचे समझे। खतरा है, एक साल पहले से घट रहा है, तो उसका तो स्वाभाविक है, जन जनता वो हर जगह जोर किया है, हर जगह गया है आया है, तो स्वाभाविक है, संकट तो बढ़ते करेगा, उसी का उसको परिणाम मिला। हाँ, का जितना था उसने परिणाम मिला, मेहनत ज्यादा किया। हाँ, बहुत अच्छा रहा। कैसे? पप्पू यादव अच्छे आदमी है, जमीनी नेता है और पब्लिक का सेवा करने में सक्षम है। जान अच्छा पूरे समाज के लोग और पप्पू यादव आपके अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मिलनसारी आदमी है। इसलिए पब्लिक सब जीता दिया।